और इसी बीच एक बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी है। बिजली बिल बकाया होने पर नहीं काटा जाएगा कनेक्शन। पावर कॉरपोरेशन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, इसको लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी राहत है सीएम योगी की तरफ से किसानों के लिए। बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, पावर कॉरपोरेशन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। कनेक्शन काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये भी बात कही गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी। बिजली बिल बकाया होने पर भी कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, जो कनेक्शन काटेगा उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। बड़ी खबर, 13 जनवरी को वाराणसी से रवाना होगा गंगा विलास क्रूज। पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा करके क्रूज को रवाना करने वाले हैं। सीएम योगी ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। सीएम ने ट्वीट किया और ये जानकारी दी कि 13 जनवरी को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर इस क्रूज को रवाना करने वाले हैं, गंगा विलास क्रूज, जिसको प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। ट्वीट आपको दिखाते हैं, क्या लिखा है सीएम ने आपको दिखाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और नए भारत की गति, शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक ये रिवर क्रूज यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत में एकात्मकता के नए अध्याय जोड़ेगी। ये सीएम का ट्वीट आपके सामने है। काशी को एक और क्रूज का तोहफा मिलने जा रहा है। 13 जनवरी को पीएम मोदी इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। उससे पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से बताया है कि पीएम हरी झंडी दिखाने वाले हैं और किस तरीके से एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक ये क्रूज बनने वाला है, इसका जिक्र किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बागपत से बड़ी खबर, बागपत में आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव सुखबीर सिंह का शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया गया। पूर्व मंत्री साहब सिंह के भाई रामनिवास का भी शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। भाजपा नेता योगेंद्र सोलंकी और रामपाल यादव का लाइसेंस निलंबित किया गया। पूर्व चेयरमैन नीलम धामा का भी शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया गया। बागपत के डीएम ने 50 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए हैं, ये जानकारी है। आपराधिक मामलों के बाद ये कदम उठाया गया, आपराधिक मामलों के बाद भी ये लगातार लाइसेंस बनवा रहे थे, अब ये फैसला लिया गया। अलीगढ़ से अगली बड़ी खबर, अलीगढ़ में हाईवे पर कार लूट के दौरान गोली मारी गई। गोली लगने से कार मालिक जख्मी बताया जा रहा है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बंदूक की नोक पर नई कार लूट ले गए बदमाश। यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर लूट को अंजाम दिया गया। थाना टप्पल के कृपालपुर के रहने वाले दिनेश कुमार रात में दुकान बंद करके बेटे के साथ घर जा रहे थे, तभी यमुना एक्सप्रेसवे पर बाइक सवार 4 बदमाश वहां पर आते हैं, उनको रोकते हैं और कार मालिक के को नीचे उतार दिया जाता है। बदमाशों ने दिनेश कुमार को पीटा, फिर गोली मार दी और i10 कार लूट कर वहां से भाग निकले। अपाचे पर आए 4 लोग, उन्होंने गाड़ी रुकवाई और मेरे पापा को खींचा बाहर, मेरे उतार के थप्पड़ वप्पड़ भी मारे और उसके बाद में मेरे पापा की गोली की आवाज़ मेरे को सुनाई दी, उसके बाद मेरे को होश नहीं रहा। थाना टप्पल में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसने सेकंड हैंड i10 गाड़ी 3-4 दिन पहले खरीदी थी, जब वो गाड़ी लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था तभी सिमरौटी के आसपास 4 बाइक सवार अज्ञात लोगों ने उसको रोका और गाली गलौज करते हुए उसके पेट में गोली मारी और गाड़ी लेकर के चले गए। सूचना मिलते ही सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। घटना के अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, उत्तरकाशी के बड़कोट के नागेश्वर मंदिर में चोरी हुई है। नागेश्वर मंदिर के गर्भगृह से घंटी चुरा करके आरोपी भागे हैं। सीसीटीवी में बदमाशों की पूरी करतूत कैद हो गई। आरोपियों की तलाश में अब पुलिस लगातार जुटी हुई है। बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, बड़कोट के नागेश्वर मंदिर में चोरी हुई है और ये कहा जा रहा है कि मंदिर के गर्भगृह से घंटी चुरा करके चोर वहां से भागे हैं। अब सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस, सीसीटीवी में बदमाशों की पूरी ही करतूत कैद हो गई, देख लीजिए आप। आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी है उत्तराखंड पुलिस। इस फुटेज के आधार पर इन तक पहुंचने के लिए टीमें गठित की गई हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव, चोरी की वारदात को अंजाम दिया और वहां से भाग निकले। मंदिर के गर्भगृह से घंटी चुराया है और वहां से भाग निकले हैं। सीसीटीवी जो वहां पर लगी हुई थी उसमें बदमाशों की एक करतूत कैद हो गई। इस फुटेज के आधार पर ही जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।